का रुख कर रहे हैं सुमित। अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कहां से आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अपना, और खबर ये है मुरैना से बड़ी खबर ये है कि मतदान के बाद यहां पर भी गोली चल गई। जी हां, अवैध हथियारों की सप्लाई काफी यहां पर हमें देखी। गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में आमतौर पर ये आम बात होती है गोली चलना, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो थोड़ी निराशा जरूर होती है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और जो घायल हुआ है शख्स वो बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप उस इंजर्ड शख्स को देख पा रहे हैं। घायल व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है, कोतवाली थाना इलाके की ये घटना है जहां वोटिंग के बाद गोली चली और ग्वालियर शख्स को रेफर कर दिया गया है। मुरैना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अच्छी खासी वोटिंग एमपी में हुई है, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं थोड़ी सी निराश करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आपकी कितना गहमा गहमी का माहौल मध्य प्रदेश में है। अपना बिल्कुल, और फिलहाल यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। ये लौटेंगे आपके पास। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वंदना जी, एक तो क्विक रिएक्शन अभी तक के परसेंटेज पर, वोटिंग परसेंटेज पर, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं तोमर के बेटे के वीडियो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जब जहां पे भी मतदान हो रहे हैं, जिन जो भी जिस भी बूथ पे मतदान चल रहे हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई दिख रहा है तो वो है हमारी लाडली बहनें, हमारी महिलाएं। पहले क्यों हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलकर इतना वोट नहीं डालती थी, अब क्यों वो संख्या बल बढ़ गया है? उसका कारण है क्योंकि महिलाओं को समझ में आ गया है उनकी महत्ता, किस प्रकार से वो प्रदेश की प्रगति के विकास के लिए उनका योगदान जरूरी है। इसलिए हमारी जो मतदाता हैं बहनें, वो बाहर निकलकर आ रही हैं। और आपने देखा है कि 11 बजे तक, जबकि वो सबसे ज्यादा उनका महिलाओं का काम का समय होता है, तब तक भी सबसे ज्यादा महिलाएं बूथों पर दिखी। तो ये सिर्फ लाडली बहना जैसी हमारी जो शुभंकर योजनाएं आ रही हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, जिससे हमारी बहनों को समझ में आ रहा है कि प्रदेश के विकास के लिए उनका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए वो जाकर मतदान कर रही हैं। और अभी आप देखिएगा 5 बजे तक जब मतदान होंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस बार परसेंटेज किसी का होगा तो वो हमारी लाडली बहनों अर्थात महिलाओं का होगा। बहुत अच्छी बात, महिला वोटर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेंगी इस मतदान में। वंदना जी, इसमें एक और एड ऑन करना चाहिए कि लाडले जो युवा है उनका रोजगार, वो एक लिए आपके लिए बड़ी चुनौती बना रहा। इसके अलावा जो लाडले कर्मचारी हैं जो चयनित होकर नियुक्ति की राह देख रहे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट क्यों दिया जाना चाहिए, मैं आपको